प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 5 पढ़ेंगे। चलो आइए मेरे साथ पढ़िए। पाठ का नाम है लिंग, जेंडर। वो होता ना, अमीना के दादा दादी खाना खा रहे हैं। दादा जी को खाने में खिचड़ी पसंद है। दादी जी को खाने में सब्जियों वाला दलिया पसंद है। अमीना के पिताजी खाने में दाल चावल खाना पसंद करते हैं। अमीना की माताजी खाने में पुलाव खाना पसंद करती हैं। अमीना का भाई आजम खाने में राजमा चावल खाना पसंद करता है। ध्यान दीजिए, रंगीन शब्द हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। अब दादाजी, दादा दादी, ये लाल रंग में दिख रहा है आपको बच्चों, दादा और दादी। दादा जो है वो पुल्लिंग है और दादी जी जो है वो स्त्रीलिंग है। तो शब्दों की रंगीन शब्द हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। इन्हीं को लिंग के नाम से जाना जाता है। शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु अथवा प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का ज्ञात होता है उसे लिंग कहते हैं। जिसमें स्त्री का अलग से पता चलता है और पुरुष का अलग पता लगता है जिन शब्दों से, उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, एक कौन सा? पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ठीक है, ये देखिए, ये पुल्लिंग और ये इधर स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण। अब पुल्लिंग मतलब लड़के वाली साइड पुल्लिंग बोलते हैं और लड़कियों को स्त्रीलिंग बोलते हैं। बेटा बेटी, लड़का लड़की, चाचा चाची, मोर मोरनी, चूहा चूहिया, राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग, धोबी धोबिन, पुत्र पुल्लिंग हो गया, पुत्री लड़कियां है ना, पुत्री लड़की होती है तो वो स्त्रीलिंग, बूढ़ा बुढ़िया, भाई बहन। अब ये आपको जो ब्लू में दिख रहे हैं ये सारे लड़के हैं, बेटा लड़का चाचा मोर चूहा राजा धोबी पुत्र बूढ़ा भाई, ये सारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में बेटी लड़की चाची मोरनी चूहिया रानी धोबिन पुत्री बुढ़िया बहन, ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। अब इधर वाली लाइन में देखिए, पुल्लिंग में नायक नायिका, देवता देवी, गायक गायिका, बैल गाय, बंदर बंदरिया, शेर शेरनी, नर नारी, ऊंट ऊंटनी, हाथी हथनी, बिलाव बिल्ली। हमने क्या सीखा? शब्दों के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ना है और इसे जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है इनको सभी को आपने याद करना है। धन्यवाद।